हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, मुझसे कई लोग कमेंट सेक्शन में बार बार ये सवाल पूछते हैं कि हमें हमारे फुट के लिए अगर इंसोल्स लेने हो तो कस्टमाइज्ड इंसोल्स हम कैसे और कहां से बाय कर सकते हैं, और साथ ही कई लोग ये पूछते हैं कि हमें कौन से इंसोल्स को हमारे जूतों के लिए, हमारे शूज़ के लिए लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये कस्टमाइज्ड इंसोल्स आप कहां से और कैसे बड़ी आसानी से अपने पैरों के लिए ले सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, कस्टमाइज्ड इंसोल्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दें उससे पहले हम समझते हैं इंसोल्स हमारे फुट के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, इंसोल्स हमारे फुट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये इंसोल्स की वजह से जो हमारी स्टेबिलिटी रहती है फुट की, वो ज़्यादा इन्हेंस होती है। तीसरा, ये हमारे फुट को फटीक से बचाते हैं। चौथा, ये हमारे फुट के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे फुट की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको रिटेन रखते हैं। साथ ही इंसोल्स की वजह से हमारा फुट फर्दर इंजर्ड होने से बच जाता है। तो दोस्तों, इस वजह से हमारे जूतों के अंदर, हमारे शूज़ के अंदर ऐसे इंसोल्स होने चाहिए जो कि हमारे फुट को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करें, हमारे फुट को फर्दर इंजर्ड होने से बचाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस इंसोल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ट्रेड कंपनी के इंसोल्स। ट्रेड कंपनी चार तरीके के इंसोल्स को डेवलप करती है। दोस्तों, ये चार प्रकार के इंसोल्स, इनकी लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। पर दोस्तों, इन चार इंसोल्स में से कौन सा इंसोल्स आपके लिए बेटर है, तो इन चारों इंसोल्स को हम इलोबरेट करके आपको बताते हैं कि आपको कौन सा इंसोल बेसिकली खरीदना चाहिए आपके लिए। तो दोस्तों, जो पहला इंसोल है जिसका नाम है ग्लाइड बाय ट्रेड, ये पहला इंसोल जो है ग्लाइड बाय ट्रेड, ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों की हील में पेन रहता है और जो लोग प्लांटर फेसाइटिस से ग्रसित हैं। तो इस इंसोल को उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी हील में पेन रहता है और जिनको प्लांटर फेसाइटिस नाम की कंडीशन है। तो दोस्तों, इस ग्लाइड बाय ट्रेड जो इंसोल है, इसकी खासियत की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़, इसकी जो पहली कोटिंग है वो है एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, जो कि आपके फुट का जो हाइजीन है वो मेंटेन करता है। इसकी जो दूसरी लेयर है, वो जो टॉप लेयर है, वो है मॉइस्चर विकिंग लेयर, जो कि आपके पैरों को ड्राई रखने में मदद करती है। दोस्तों, जो इसकी तीसरी लेयर है वो है जो इसका आउटर शेल है वो बहुत फर्म है, जो कि आपके पैरों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही इस इंसोल के अंदर डीप हील कप दिया है जो कि आपके एंकल की इनवर्ड रोलिंग को रिड्यूस करता है। साथ ही बायोमैकेनिकल आर्च सपोर्ट दिया हुआ है जो कि आपके प्लांटर फेशिया पर से स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। साथ ही इसके अंदर शॉर्प एब्सॉर्बिंग फोरफुट पैड दिया हुआ है जो कि आपको स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। दोस्तों, जो दूसरा इंसोल है वो है री इन्फोर्स बाय ट्रेड। इस इंसोल को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको फ्लैट फीट है या जिनका फुट ओवर प्रोनेटेड है। इस इंसोल की अगर मैं खासियत की बात करूँ तो पहली चीज़, इसमें भी एंटी माइक्रोबियल कोटिंग दे रखी है जो कि आपके फुट को हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर मैश फैब्रिक का जो कोटिंग दिया हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है कि परफेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रिप आपके फुट को मिलती है। हील पैड दे रखे हैं जहाँ जिसकी वजह से दोस्तों आपका जब हील स्ट्राइक होता है तो ये हील पैड की वजह से आपके हील के ऊपर इम्पैक्ट कम होता है। साथ ही आर्च सपोर्ट दे रखा है जो कि आपके फुट को बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जो तीसरा इंसोल है वो है डायनेमो बाय ट्रेड। ये उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो लोग रनिंग करते हैं या स्पोर्ट्स में खेलते हैं या वो लोग जो ज़्यादा फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं। इस इंसोल की खासियत की मैं बात करूँ तो दोस्तों, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल कोटिंग है जो कि आपके फुट को हाइजीन करती है। साथ ही इस इंसोल के अंदर मेटाटार्सल फुटपैड दे रखा है जो कि आपके लोड को न्यूट्रलाइज करता है, आपकी बॉडी के वज़न को न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही इसके अंदर सिलिकॉन की मिड लेयर दे रखी है जो कि आपकी लोडिंग को ऑप्टिमाइज़ करता है।
हील पैड दे रखा है जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में आपकी हील के ऊपर से स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। साथ ही डायनेमिक बायोमैकेनिकल आर्च सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है जो कि आपके फुट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के दौरान। तो अगर आप स्पोर्ट्स या रनिंग या ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं तो आपको डायनेमो बाय ट्रेड का यह इंसोल लेना चाहिए। तो जो चौथा और आखिरी इंसोल है वो है आइस बाय ट्रेड। ये उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिन लोगों को हील पेन है या एकिंग पेन है या जिन लोगों को हील स्पर्स है। तो अगर आपको ये सारी कंडीशन है तो आप आइस बाय ट्रेड इंसोल ले सकते हैं। इसकी खासियत की मैं बात करूँ तो इसमें भी एंटी माइक्रोबियल कोटिंग दे रखी है जो कि आपके फुट का हाइजीन मेंटेन करेगी। मॉइस्चर विकिंग लेयर है जो कि आपके फुट को ड्राई रखने का काम करेगी। साथ ही इसमें सिलिकॉन जेल है जो कि आपके फुट के प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेटाटार्सल पैड है जो आपके फोरफुट से स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। साथ ही इसमें बायोमैकेनिकल आर्च सपोर्ट है जो कि आपके प्लांटर फेशिया पे से स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और साथ ही इस इंसोल की खासियत यह है कि इसमें हनीकॉम्ब लेयर का आखिरी लेयर है जो कि हनीकॉम्ब डिज़ाइन का है जो कि शॉर्प एक्सोबर का काम करता है। आपके फुट के अंदर से शॉर्प एक्सोबर का काम ये करेगा। तो दोस्तों ये चौथा और आखिरी इंसोल था जो कि ट्रेड कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इन चारों इंसोल्स के बारे में जो हमने आपको बताया है वो आप ले सकते हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों इस वीडियो के एंड में हमने एक साइज़ चार्ट भी दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने साइज़ का कस्टमाइज्ड इंसोल आप ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी बाय लिंक दे रखी है। और साथ ही आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं कि ये इंसोल्स दिखते किस तरीके से हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।